स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट। नारी शोषण बंद करो, नारी शोषण बंद करो, नारी शोषण बंद करो, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। फोन में ही ऐसा है, यह मोहल्ला अगर आपको धरना देना है सड़क पर या कहीं धरना दो, इधर निकाल के ले जाओ यहाँ से, यहाँ का जो अधिकारी है, तो यहाँ बाकी को दुखी ना करो, समझे? Yeah.
चुप चुप सुन लो पहले। दोस्तों कहना चाहूंगा, अभी जो आप लोगों को हमने वीडियो दिखाया वो बहनें हैं उत्तराखंड की जो अभी तक धरने पर डटी हैं। अनिश्चितकालीन धरना उनका अभी तक चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, जगह जगह उनके ब्लॉकों पर, कई जनपदों में। तो आप देख सकते हैं यहां पर बहन का कहना, हमारे पास मैसेज लगा है उत्तराखंड से, बहन हमारी सुमन धीमान बहन, उन्होंने हमें जानकारी भेजी है कि 20 तारीख को उनके वहां पर अभी महारैली की जाएगी। आज 19 तारीख है, यानी कि कल उत्तराखंड में महारैली होगी, जिसको आप चैनल के माध्यम से भी देखेंगे। वहीं पर कहना चाहूंगा, उन बहनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे मानी जाती हैं, ये चीजें ऐसे ही जो है प्रदर्शन उनका होता रहेगा। और साथ में उनका ये भी कहना कि चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, 20 तारीख को उनकी महारैली होगी, चाहे रात को भी वहीं रहना पड़े। बहनों का कहना है इतनी सर्दी में भी हम लोग रोड पर ही, उनका कहना है, हम पड़े रहेंगे। तो ये बहन का ऐलान है वहां पर, सभी बहनें अपनी मांगों को लेकर के अभी भी डटी हैं। आप सब भाई बहनों से कहना चाहूंगा, उनकी आवाज को अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर शेयर करें। आप भले किसी अन्य राज्य से हैं, लेकिन बहनें आपकी हैं, यहां पर एकता इसीलिए मैं बना रहा हूं, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो हमारी बहनें एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बन सके। आगे कहना चाहूंगा, एक बहन ने वहां पर यह भी कहा है कि हम जेल भी जाने को तैयार हैं, और सारी बहनें यहां पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं, हम जेल में भी जाने को तैयार हैं सारी बहनें, बहन का ये कहना है। और एक बहन ने तो कहा है कि आत्मदाह वगैरह करने के भी बोल दिया यहां पर, तो मैंने उनको मना किया कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये चीजें गलत है। सरकार एकदम, आप जानते हैं, ढीठ है। ढीठ का मतलब जानते हैं, जो जिनके कानों में आवाज जाए और फिर भी इंसान वो ना सुने, ये दरअसल इस शब्द को बोल सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में जो जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, कि लंबे समय से मुख्यमंत्री से कहा भी गया, समय भी उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सुना जा रहा। ऐसे ही झारखंड में भी चलता रहा 2 महीने, सरकारों के कान में आवाज जाती रही, आवाज को सरकार सुनने की बजाय दबाते रहे। यही उत्तराखंड में भी बहनों के साथ हो रहा है, यही हर राज्य में होता, उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ जब पिछली बार धरने थे। तो यहां पर कहना चाहूंगा आप सब भाई बहनों को कि मिलकर के कुछ करिए, एकता अपनी बनाइए, तो यहां पर आप लोगों के ही काम आएगी। आगे आप लोग देख सकते हैं बहन का ये वहां से जो आए हुए वीडियो, आप लोगों को हमने दिखाया कुछ तस्वीरें आप लोगों के सामने, ये धरने से ही हैं। तो दोस्तों आप कहना चाहूंगा, यहां पर सुधांशु पटेल चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल इंडिया पर चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये वीडियो आप उसी पर देख रहे हैं। वहीं पर कहना चाहूंगा, दोनों चैनल आपके हैं। आगे हमारे पास जो खबर लगी है उसमें बताया जा रहा है, 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाएंगे विटामिन ए युक्त जो खुराक, ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का है, वहां पर बातें आ रही है। इसके संबंध में आप लोगों को मैं अगले वीडियो में, जो सुधांशु पटेल चैनल पर वीडियो जाने वाला, उस पर मैं जानकारी देने वाला हूं। और स्कूलों में आंगनबाड़ी की हकीकत वगैरह परखी गई शाहबाद में, तो शाहबाद जहां पर है बुधवार में, वहां पर बताया जा रहा है कि बुधवार को एसडीएम अतुल प्रकाश श्रीवास्तव ने कस्बे के कई प्राथमिक विद्यालय के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया था, और निरीक्षण में वहां पर परख की गई है कि कैसी हकीकत है दरअसल केंद्रों पर। तो आगे आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक मशीन से मिलेंगे सैनिटरी पैड वगैरह, इसके बारे में भी जानकारी जो है आ रही है। रामपुर वगैरह में एक कॉलेज है, वहां पर इन चीजों का एक तरह से मशीन वगैरह लगा दी गई, एक सिक्का डालो और जो है सैनिटरी पैड वगैरह ले जाओ। तो ये सुविधाएं जो स्कूलों में देने वाली है सरकारें, या यूं कहें कि सिर्फ वहां के अधिकारियों की अच्छी दरियादिली समझे या अच्छा प्रशासन समझे जो इन चीजों को आगे बढ़ावा दे रहा है, ताकि दिक्कतें ना हो। तो वहां पर पुलिस कंट्रोल रूम वगैरह ऑटोमेटिक सैनिटरी पैड लगवाते एसपी वगैरह अरुण कुमार, आप देख सकते हैं। तो ये एक पहल वगैरह है जो पहली बार रामपुर वगैरह में देखने को मिल रही, इसके बारे में भी सुधांशु पटेल पर विस्तृत जानकारी आने वाली है। तो उस चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहन है हमारी, उनका केंद्र बहुत अच्छा है, अर्चना कुमारी नाम है हमारी बहन का, फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट डाली, उनके केंद्र की कुछ
तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत अच्छा केंद्र है। अंदर केंद्र पर जो पेंटिंग है, दीवालों पर सब कुछ लिखा, बहुत अच्छे तरीके से आकृतियां भी बनी है, तो ये बच्चों के पढ़ने के लायक बहुत अच्छा केंद्र है। मैं चाहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में हर एक आंगनबाड़ी केंद्र इसी तरह से जो है बनने भी चाहिए, ताकि बच्चों को वहां पर वो माहौल मिल सके जिसके लिए आंगनबाड़ी बच्चे होते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, आशा कार्यकर्ती और किशोर को दबंगों ने पीटा है, इसके संबंध में भी सुधांशु पटेल पर अभी वीडियो आने वाला है शाम को, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, वहां पर काफी सारी जानकारी विस्तृत रूप में दी गई है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।